आज ये 50 से 60 हजार सोलर कास्ट के युवा है, आज ये 50 से 60 हजार सोलर कास्ट के युवा है, इनकी मांग ये है संविधान में संशोधन करके अनुसूची 9 में डाल करके सोलर कास्ट को आरक्षण दिया जाए, कर्सर राजपूतों को मिला हुआ आरक्षण था उस पर रोक लगा दी, उसको पूरा बहाल किया जाए, चतुर सिंह हत्याकांड में CBI जांच और मुआवजा चाहिए, देवनारायण गोल्ड तर्ज पर सोलर कास्ट को भी एक गोल्ड चाहिए, उसमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए, पद्मनी फिरन पर रोक लगे, ये हमारी प्रमुखता मांगे है। एक तो अन्य प्रदेशों में 40 साल है उम्र नौकरियों में, तो यहाँ 35 की है, यहाँ भी 40 की है, नहीं हो सकेगी तो हम यही मरेंगे, सरकार कुचल दो हमें, बुलडोजर ला करके मार दो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये सरकार नरभक्षी है, बेटों को खा चुकी है, घरसाना में किसानों को खा चुकी है, सोहिला में किसानों को खा चुकी है, हर बार आश्वासन मिलता है, अब की बार रिजल्ट चाहिए, इन युवाओं को रिजल्ट चाहिए। कहते हैं ये केसरिया बीजेपी के लिए उठता था, आज उसके खिलाफ उठा, क्यों? क्योंकि अब हमें सुवर्णों की अनदेखी, अब युवा पसंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमारा हक अधिकार हम लेकर रहेंगे। मानता हूँ मैं, कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट जब कंधार विमान अपहरण कांड होता है तब कोर्ट कहाँ चली जाती है, रात के भी मीटिंग बुलाई जाती है, जब कोर्ट कहाँ चली जाती है, ताकत को सिलाव है और वो ताकत ये है युवा दिखा रहे हैं आपको। इनकी मांग सुने और इनकी मांग माने सरकार, अब हम सरकार के पास बंद कमरों में नहीं जाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं, हम तो आकर के बैठ गए यहाँ, अब सरकार अगला कदम उठाए, हमारे ऊपर बुलडोजर चला के मार दो सवर्ण कास्ट को, क्योंकि आपको तो सवर्ण कास्ट के युवाओं की जरूरत ही नहीं ना, इस देश में सवर्णों की कदर नहीं है, इसलिए आज ये 50 से 60-70 हजार युवा केसरिया झंडा और डंडा लेकर के आए हैं। जो कि आज उस बात के लिए अड़े हुए हैं कि यहाँ से कुछ लेके जाएंगे,